Hello students, good evening to all so this video is for those students who are preparing for the ipm exams right and I am rohtak has already released its notification for the year 2022 20 27 so if you are preparing for the ipm exams and you are going to fill the application form for the iim rohtak so please go through this video because in this video i'm going to discuss all important points uh, i considered the 10 important points which you have to keep in mind before filling the application form बिकॉज आपका एप्लीकेशन फॉर्म इज कोस्टली तो उसमें अगर आप कोई मिस्टेक करते हो तो आपको दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ जाएगा सो प्लीज आप ये वीडियो बहुत अच्छे से देखना एंड एंड तक इन द द द नेक्स्ट वीडियो आई आई एम एम गोइंग टू टू शो यू अ डेमो एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्म की हाउ फिल फॉर आईपीएम रोहक राइट सो लेट्स स्टार्ट एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई हैव द इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फ्रॉम द अन एकेडमी सो अगर आपकी फैमिली में आपके फ्रेंड सर्कल में आपके सिबलिंग्स कोई भी अगर कैट के लिए प्रिपेयर कर है ठीक है तो आप उनको बताइए कि अन्यकेडमी पे सिक्स मार्च को एक टेस्ट होने वाला है एट 12 पीएम एंड ये जो टेस्ट होगा इसका होगा इसका ड्यूरेशन बच्चे वन आर का, 12 1 अवेलेबल नहीं होने वाला है सो so, अगर आप अगर आप कैट के, के लिए पेपर कर रहे हो तो यू शुड प्रैक्टिस फॉर दीज क्वेश्चन बिकॉज आपको आपको पता चलेगा ओके okay, किस टाइप की प्रिपरेशन आपकी चल रही है और किस स्टेज पे हो आप लोग ठीक है और आपको स्टिल इसके टेस्ट के साथ साथ में यू है चांस टू विन स्कॉलरशिप राइटिट ऑफ्रेडेंट स्कॉलरशिप एंड एंड इलेवन टू फिफ्टी स्कॉलरशिप एंड्रेड के बीच में अगर आपका रैंक आएगा तो यू कैन गेट दी फाइव स्कॉलरशिप ऑन द अकेडमी राइट एंड दिस टेस्ट फॉर द कैट ट्वेंटी टू सो फॉर दो इसका जो भी लिंक होगा आई विल अपलोड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो प्लीज डोंट फॉर गेट टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लीज चेक एंड स्टिल अगर आपको कोई भी अनकेडमी पे अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो यूजिंग माई रेफरल कोड दैट इज राखी टेन यू कैन अवेल एक्स्ट्रा टेन परसेंट ऑफ ऑन ऑल द सब्सक्रिप्शन सो प्लीज आपको मार्क मार्क दीज डेट्स एंड टाइम एंड इज ये करना चाहिए ओके सो नाउ लेट स्टार्ट द आई पी एम रोहतक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पॉइंट नंबर वन आपका एज जो है वो ट्वेंटी इयर्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर आपकी एज ट्वेंटी ईयर्स वन डे भी है देन यू आर नॉट एलिजिबल टू फिल द फॉर्म ठीक है तो और डेट क्या है कब आपको मतलब किस टाइम पे आपको ये एज, एज कैलकुलेट करनी है थर्टी जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू डेट मीन्स थर्टी जून तक आप ट्वेंटी ईयर्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए दे डेंट मैंशन एनी मिनिमम एज क्राइटेरिया बट मैक्सिमम एज क्राइटेरिया इज ट्वेंटी ईयर्स टू यू हैव टू कीप इन माइंड जस्ट कैलकुलेट योर एज ठीक है और एज का जो डेट आपको जहां तक कैलकुलेट करना है थर्टी जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू Right, वैसे तो आप, तो आप होंगे बट अगर आपने गैप वगैरह लिया है कुछ एक दो साल का तो माइट भी आ, तो आपको अपनी एज को थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेट कर लेना कभी बाद में फिर आप चलिए सेकेंड पॉइंट पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर टू इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इफ यू बिलोंग फ्रॉम द जनरल कैटेगरी तो जनरल कैटेगरी के लिए जनरल हो या

राइट right. और दूसरी चीज यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑप्टेन बाय द कैंडिडेट इन एक्स एंड मतलब टेंथ एंड ट्वेल्थ स्टैंडर्ड वुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट मार्क्स ऑफ द बेस्ट फाइव सब्जेक्ट ठीक है तो बेस्ट फाइव सब्जेक्ट का आपको एग्रीगेट लेना है फिर आप पूछते हो ना कि मेरे इतने मार्क्स हैं कौन कौन से कंसिडर करने हैं तो बेस्ट फाइव सब्जेक्ट आपको जो भी आपकी अपियर इन द दर्कशीट और ग्रेड शीट में उसके अकॉर्डिंग आपको बेस्ट फाइव का परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर थ्री पॉइंट नंबर है आपके पास में इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बता देती हूँ एज आई ऑलरेडी मेन्शन की आई एम रोहतक ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ट्वेंटी फर्स्ट फैब से स्टार्ट हो चुके हैं लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म इज सेकेंड मे सो प्लीज डोन्ट वेट फॉर द लास्ट डेट आफ्टर सींग दिसन फॉर्म बिकॉज लास्ट में आपकी वेबसाइट डाउन हो सकती है में इंटरनेट प्रॉब्लम so प्रॉब्लम को आपको फेस ना करना पड़े तो आप टाइम के रहते अपना फॉर्म फिल कर देना लास्ट डेट इज सेकेंड मे जो इसका टेस्ट है बच्चे वो आपका ट्वेंटी फर्स्ट मे को उसका टेस्ट होगा ठीक है उन्होंने टाइम भी मैंशन किया हुआ थ्री टू फाइव पी एम पे तो ट्वेंटी फर्स्ट मे को दैट मीन्स आपका कितना टाइम है आप देख लो आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है कैसे लास्ट में आपको आपने गियर देना है अपनी अपनी प्रिपरेशन को जो पीआई होगा पीआई पी का अनाउंसमेंट हो जाएगा सेकंड वीक ऑफ जैन और पर्सनल इंटरव्यू फोर्थ वीक ऑफ जैन एंड सिलेक्शन लिस्ट फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई और एकेडमिक सेशन आपका फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट में स्टार्ट हो जाएगा तो दीज आर द इम्पोर्टेंट डेट्स आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट है कि आपको फॉर्म फिल करना है बिफोर द सेकेंड में ओके पॉइंट नंबर फोर पॉइंट नंबर फोर मैम येस वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द आईपीएम एग्जाम बट दिस ईयर क्या एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है नो एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं हुआ है लास्ट ईयर जैसा ही है देयर विल बी थ्री सेक्शन

What things? That means what are the parameters? What are the weightage for the different sections, different things? So first is component, like aptitude test, your score will 45 percent. Personal interview weightage is 15 percent, and past academics. That means your <clears throat>

एप्टीट्यूड टेस्ट एंड आपकी अगर आप एकेडमी को बैलेंस रख सकते हो बिकॉज अगर आप ट्वेल्थ में हो तो यस डेफिनेटली आपको उसको ध्यान में रखना है ठीक है तो फाइनल फाइनल सिलेक्शन के वो हो गए कॉम्पोनेंट नाउ पॉइंट नंबर सेवन पॉइंट नंबर सेवन माइंड में आता है स्टूडेंट्स के कि फी स्ट्रक्चर क्या है बहुत कॉस्टली होता है क्या है क्या नहीं तो फी स्ट्रक्चर ये थोड़ा कॉस्टली है बट इट्स इट्स टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर योर फाइव इस फॉर योर फ्यूचर तो फर्स्ट ईयर ये, ये उन्होंने फी फी का ब्रेकअप दिया हुआ है एंड टोटल फी इज थर्टी थ्री लैख नाइनटी थाउजेंड दैट मीन अप्रोक्सीमेट थर्टी फोर

इट्स अ वंडरफुल प्रोग्राम एक्चुअली अगर अगर आप बाद में एमबीए करने का प्लान कर रहे हो तो इट्स इट्स uh, आपको मतलब आईपीएम प्रोग्राम के लिए जाना चाहिए ओके okay, तो ना पॉइंट भी है कंप्यूटर डिपोजिट प्लेसमेंट सिक्योरिटी तो वो सारी फी को मिला के आपका ये ब्रेकअप दिया हुआ दैट मीन फिफ्टी फोर थाउजेंड ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर सिक्सटी वन एंड फोर्टी नाइन तो आप अप्रोक्सीमेट मान के चलो कि आपके फोर्टी लैक्स मतलब इन फाइव इयर्स में इन्वेस्ट होने वाले हैं क्योंकि फी फी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट पैरामीटर बट ये वो पैरामीटर नहीं है कि हमें इसके बेस पर हम एडमिशन नहीं लेंगे बिकॉज़ अगर अगर आप अगर आप स्टडी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान होता है ओके okay, uh, so uh, तो आपको बहुत ध्यान से फॉर्म को फिल करना है नाउ लास्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर टेन आपको वैसे और कोई डॉक्यूमेंट्स uh, अपलोड नहीं करना है तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास में आपको जैसे फोटोग्राफ तो प्लीज जब आप फॉर्म फॉर्म फिल करने बैठे उससे पहले ही आप अपने फोटोग्राफ और अपने सिग्नेचर को रेडी रखो आपका फोटोग्राफ सिक्स से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए ठीक है है और उसका जो मैक्सिमम साइज इट शुड बी से ज्यादा नहीं फिर बाद में आप उसे वो करते रहते करते रहते रहते हो हो रिसाइज ठीक है तो पहले से ये चीज आप अपने कंप्यूटर में अपने लैपटॉप में रख के चलो कि आपका जो फोटोग्राफ है और जो आपके सिग्नेचर है उसका मैक्सिमम साइज शुड बी एटी के बी ओनली जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट ठीक है इसके अलावा और कोई फॉर्मेट इज विल नॉट एक्सेप्टेबल एंड एक इंपॉर्टेंट चीज जो भी आप यहां पे फोटो अपलोड करने वाले में सब आपको तो वो आप थोड़ा सा सेव रख के रखना ठीक है और आपका फोटो क्लियर होना चाहिए क्योंकि कई बार आपका फॉर्म सिर्फ रिजेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर क्योंकि ब्लर वगैरह होता है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है तो दिज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है बिफोर फिलिंग द

Stay tuned. Thank you so much, guys. Bye bye. Thank you.